एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा, दिलों की धड़कनें तेज। पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत होंगे आज मध्य मुकाबल। मैदान दोपहर 2:30 बजे लगेगा। श्रीलंका के शहर पाली किले का मौसम बेहतर हो गया। माहरीन के मुताबिक बारिश के इम्कान कम हो गए। हसनी मलिका ने शाहीनों की जीत का इशारा दे दिया। गुजरांवाला के सुल्तान नामी बबर शेर ने भी पाकिस्तानी शाहीनों की फतह की बड़ी पेशगोई कर दी। ऐसा लगता है कि बाबर आजम जो है वो आज अच्छा स्कोर करेंगे और जो है वो पाकिस्तान को जितवाएंगे। बाकी अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हारिस है, नसीम है और शाहीन है, तो कोशिश यही है, होप्स हो कि पाकिस्तान विन करेगा। उम्मीद तो सबसे है क्योंकि हमारे पास नंबर वन बैट्समैन है बाबर रिजवान और बॉलर्स भी हैं नसीम, शाहीन, बाकी और ऑलराउंडर भी माशाल्लाह हमारे पास नवाज़ और रिजवान और सॉरी शादाब है, तो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग टीम है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। एशिया कप के सनसनीखेज मैच की तैयारियां अरूज पर। शाइकिन क्रिकेट रिवायती हरीफों के क्रिकेट दंगल के लिए बहुत पुरजोश। मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह स्क्रीन सज गई हाई वोल्टेज टाकरा देखने के लिए, सबको बेसब्री से इंतजार। क्रिकेट की एशियाई पहलवान भारत और पाकिस्तान एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान और भारत 14वीं मरतबा मध्य मुकाबला आएंगे। भारत ने 7 और पाकिस्तान ने 5 बार मैदान मारा। एक मैच बारिश के सबब किसी नतीजे के बगैर खत्म। पीटीआई आलमी फोरम पर मुल्की हजीमत का बाइस बन रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नकात आरड़ की शदीद तनकीद, कहते हैं पीटीआई इंसानी हकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालत जा रही है। चेयरमैन पीटीआई ने जेफरी रॉबर्टसन को वकील किया है। आलमी अदालतों में दो ममालिक के दरमियान तनाजात को ले जाया जाता है। जेफरी रॉबर्ट रियासतों के खिलाफ काम करने वालों की वकालत करता है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहरियों का सब्र जवाब दे गया। बिजली के बिलों में इजाफे और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कराची तक खैबर एहतजाज। जमात इस्लामी की कॉल पर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दुकानों को ताले लगा दिए गए। कराची में जुजवी पहिया जाम हड़ताल। सिंध में जैकबाबाद, टंडू, अलहियार, थर पार्कर, सकरंड और बाड़ों में शट डाउन हड़ताल। खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाजी मुजाहरे। मर्दान में मुजाहरीन ने सड़कें बंद करके बिजली के बिल जला दिए। परवेज इलाही का अटक जेल में दूसरा रोज। साबिक वज़ीरे आला का जेल में मेडिकल चेकअप। डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम ने तिबी मुआयना किया। परवेज इलाही के 15 दिन के लिए नज़रबंदी के अहकाम जारी किए गए। लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया गया था। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 10,000 रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म। ईमान मजारी की थाना 12 कहू में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की गई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ हाशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत। अहद सीमा और दीगर मुलज़िमान की एहतसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ की जगह उनके नुमाइंदे अनवार हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। शहबाज शरीफ और दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर वकला से हतमी दलाल तलब। केस की मजीद समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। अदालत में जज के तबादले के बाद समाअत मौखर कर दी गई। CTD की जिला वाशक के इलाके बसीमा में कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। शरपसंदों के जरिए इस्तेमाल घर से भारी मकदार में असलाह और गोला बारूद बरामद। 3 दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। 2 सितंबर 1965 को पाक भारत जंग का दूसरा रोज। भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी। साथ ही एतराफ़ किया कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी अफवाज ने 4 भारतीय तैयारों को मार गिराया। सदर अय्यूब खान ने वाज़े किया कि जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज ने 15 टैंक कब्जे में लिए और 150 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना दिया। पाक बहरिया के जहाज़ों PNS हिम्मत, दहशत और मुहाफिज का इराक की बंदरगाह उमे कसर का दौरा। बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के फ्लोटिला का शानदार इस्तकबाल। पाक बहरिया के मिशन कमांडर ने इराक के बहरी हुकाम से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दोतरफा बहरी तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया।
मणिपुर में जारी खाना जंगी, मोदी सरकार के कंट्रोल से बाहर भारतीय रियासत मणिपुर में हालात एक बार फिर कशीदा। गुज़िश्ता रोज कोकी और मेठी कबाइल में जारी तसादुम के नतीजे में 8 अफराद हलाक, 18 से ज्यादा जख्मी हो गए। खून रेस तसादुम के वाकयात बशनुपुर और चौराचंदपुर के अजला में पेश आए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, दहशत गर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरफ शहीद, एक दहशत गर्द हलाक, दूसरा जख्मी। जिला खैबर के इलाके तीरा में दहशत गर्दों से झड़प, फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई, एक दहशत गर्द हलाक, हवालदार मंतजर शाह शहीद हो गए। बुजलाना हमले हमारा आज़म कमज़ोर नहीं कर सकते, दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है, पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम शुहदा की कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत है। दहशत गर्द रियासती रेड चैलेंज नहीं कर सकते, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू के दौरे पर खिताब, आर्मी चीफ का CMS का दौरा, जानी खेल हमले के जख्मियों की इयादत। चीनी डबल सेंचुरी के करीब, हुकूमत ने शुगर माफिया के आगे हथियार डाल दिए। कोयटा में चीनी की कीमत 190 रुपए किलो तक जा पहुंची, कराची में चीनी 180 रुपए किलो हो गई, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में भी नीचे के दाम रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगे, 175 रुपए किलो बिकने लगी। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। हमने माजी में भी हमारी एक ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवर करने का, और 2013 से 2017 भी हमने आपको नंबर सारे आपके सामने हैं, वो एक डॉक्यूमेंटेड सारी अपनी आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह उसी तरह पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते में डालेंगे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंत्रा हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमने तमाम बैरूनी अदायगियां बर वक्त की, जो तबाही की गई एक साल में ठीक नहीं हो सकती। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के लंदन में मीडिया से गुफ्तगु, कहा कौम ने नून लीग को दोबारा मुंतखब किया तो मुईशत बेहतर कर लेंगे। डॉलर ने छक्के छुड़ा दिए, ओपन मार्केट में 5 रुपए महंगा, 328 रुपए फरो, सट्टाबाज भी मैदान में आ गए, एक अमेरिकी डॉलर को 337 रुपए तक पहुंचा दिया। इंटरबैंक में डॉलर के बढ़ते दाम और ब्लैक मार्केटिंग से ताजिर परेशान। सियासी जमातों का दबाव, इलेक्शन कमीशन ने जल्द इंतखाबात के लिए हलका बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन का हलका बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का ऐलान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में फैसला हुआ। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने हलका बंदियों का दौरानिया 14 दिसंबर रखा था। बिजली झटकों के मुतासरीन पेट्रोल पंप का शिकार, मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 305 रुपए और डीजल 312 रुपए लीटर हो गया, LPG 39 रुपए महंगी, 240 रुपए किलो हो गई। रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया, मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर, इंटरसिटी ट्रेन शामिल, लाहौर से दीगर शहरों के किराए में 250 रुपए तक इजाफा हो गया। बस अड्डों पर मुसाफरों और ट्रांसपोर्टर्स में तकरार। और अलबर्ग हॉकी लीग, ओकाड़ा गैरिजन में शहदाए पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हॉकी लीग में ओकाड़ा और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट समेत 7 टीमों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताही तकरीब में मिली नगमों, टेबल्स और फौजी बैंड्स की महारत के मुजाहरे।